कोरोना संक्रमण के खतरे से अब लोगों को निजात मिलने जा रही है, क्योंकि 16 जनवरी से सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर ली गई है और टीकाकरण के पहले दिन 439 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिले में टीकाकरण की तैयारियों को जांचने के लिए आज WHO की टीम रेवाड़ी पहुंची। इस दौरान सिविल अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन कार्यालय पर जिला स्तरीय मीटिंग की गई, जिसमें सिविल सर्जन, CMO और IMA के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान विशेष रूप से तैयारियों की समीक्षा की गई, साथ ही टीके लगने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट पर भी चर्चा की गई है। टीकाकरण के पहले दिन 34 सेंटरों में से 4 सेंटर चयनित किए गए हैं। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज जो हमारे सिविल सर्जन है और DIO सर है, उन लोगों ने हमें इसलिए बुलाया था ताकि हम डिस्ट्रिक्ट AEFI कमेटी की मीटिंग को कन्वीन कर सकें। तो WHO हमेशा टेक्निकल सपोर्ट देता है, तो जैसा कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको ब्रीफ किया गया कि उनका क्या क्या रोल है और अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो आज ये पर्पस था आज की मीटिंग का। मेरे ख्याल से उसके लिए तो डॉक्टर साहब ही ब्रीफ कर पाएंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट की तैयारी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, आई थिंक आप डॉक्टर अशोक से आप प्लीज पूछिए। अपनी जो साइट है वो सिलेक्ट कर रखी हैं, बेनिफिशियरीज भी हमने सिलेक्ट कर रखी हैं, हमारी पूरी तैयारियां हैं। आज WHO की तरफ से डॉक्टर बिंदु आई थी, उन्होंने AEFI कमेटी हमारे डिस्ट्रिक्ट की बनाई हुई है, तो उसकी मीटिंग लेनी थी कि अगर किसी को रिएक्शन AEFI हो जाए तो क्या करेंगे। उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इन्वॉल्व थे, जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के प्रेसिडेंट रेवाड़ी और हमारे IMA के प्रेसिडेंट और कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सारे हमने बुलाए थे। साथ ही साथ हमारे जो सिविल हॉस्पिटल के भी एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, ये सभी बुलाए हुए थे। सभी ने मिलकर CMO सर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें डिस्कस किया गया कि अगर AEFI हो जाए तो कैसे मैनेज करें। हमारी पूरी है और इसके लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि डरे नहीं, वैक्सीन से दिन हमारे लगभग 500 आदमियों के आसपास हम इम्यूनाइज करेंगे और उसमें ज़्यादातर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं। कितने लोगों पे? हर हमारे 4 PHCs हैं, उनके सारे एम्प्लॉय ड्यूटी पर रहेंगे। वैक्सीनेटर और मेडिकल अफसर ये सब हमने डेजिग्नेट कर रखे हैं, फिक्स ड्यूटियाँ कर रखी हैं सभी की। उसमें पुलिस वाले भी होंगे, बाकी हमारे वैक्सीनेटर 2, 3, 4 जो भी बनाए हुए हैं वो सारे सभी को ड्यूटियों के बारे में समझा दिया है और सारी बेनिफिशियरी।